नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश के लोगों को आश्रय वाले बयान पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, शेख हसीना सरकार ने लिखी भारत को चिट्ठी। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के कई स्थानों पर राज्य सरकार का वोट टांगने के मुद्दे पर जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने कहा, डीएम को गोरखालैंड प्रशासन से परामर्श लेना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन एवं तृणमूल श्रमिक संगठन संघ के 6 सूत्री मांगों को लेकर एनबीएसटीसी के चेयरमैन को सौंपा गया ज्ञापन। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश के लोगों को आश्रय वाले बयान पर शेख हसीना का भारत को चिट्ठी। बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के हालिया बयान पर अपना विरोध दर्ज किया है। पड़ोसी देश ने इस मामले को लेकर भारत को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जिनके साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों से भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसीलिए हमने भारत को एक नोट भेजा है। जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में कई स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा जमीन का बोर्ड टांगे जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, डीएम को मनमानी ढंग से काम नहीं करना चाहिए, उन्हें जीटीए क्षेत्र के कुछ भी करने से पहले जीटीए प्रशासन से परामर्श लेना चाहिए। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के डीएम को पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग कालिम्पोंग मिरिंग क्षेत्र में केंद्र के हस्तक्षेप कर काम किया जाता है, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन है, यह गोरखालैंड प्रशासन से परामर्श करके किया जाना चाहिए। बिना उनकी सलाह के किसी भी अधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कालिम्पोंग डीएम र दार्जिलिङ डीएमले म यहाँबाट रिक्वेस्ट पनि गर्छु, उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि अनि यो दार्जिलिङ कर्सियङ कालिम्पोङमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन छ र उनीहरूले जे पनि गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनसँग सोधेर सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ, उनीहरूले मनमानी गरेर खुसी खुसी गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् र यो प्रकारले खुसी खुसी गर्छ भने भोलिको दिनमा फेरि पाहाडमा प्रब्लम भयो भने उनीहरूले भोग्नुपर्छ र उनीहरूले सम्हाल्नुपर्छ यो चिजलाई चाहिँ। यहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टले साइन एग्रिमेन्ट र एक्टबाट साइन गरेर जिटिए व्यवस्था छ पाहाडमा, अनि जिटिए व्यवस्थाको अन्डरमा दुईवटा डिस्ट्रिक्ट छ, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, र जे पनि गर्दाखेरि पनि गोर्खाल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोधेर गर्नुपर्छ। हो, हिजोको दिनमा विमल रुजी हुनुहुन्थ्यो, आज म थिएँ, भोलि कोही आउँछ, यो चियर छ यहाँनिर र चियरको गरिमालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ मैले जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् अब चाहिँ र यो ठेउटेमा जहाँ जहाँ बोर्डहरू टाल्दैछ, म पञ्चायतको समितिको घर चेयरपर्सनहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, मेम्बरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, ग्राम पञ्चायतको प्रधानहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू ग्राम पञ्चायतको प्रधान भएपछि तपाईँहरूको एरियामा कहीँ पनि यसरी बोर्ड टाल्छ भने तपाईँहरूलाई पनि सोधेको हुनुपर्छ, तपाईँहरूलाई कृषि मान्छेले उठाएर पठाएको हो, सभासदहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूको एरियामा पनि हसियो जताभावी कहीँ डिएमले बोर्ड लाउँदैछ भने तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ तपाईँहरूको तपाईँहरू प्रतिनिधि हो, उनीहरूले ठिकसँगले बोर्ड लाग्छ कि लाग्छैन, ठिक जग्गामा बोर्ड हो कि होइन त्यो बुझेर तपाईँहरूको परामर्श बिना त्यहाँ काम गर्न नदिनुहोस् तपाईँहरूले। त्यही कारण मैले हेर्दैछु डिएम दुईजना डिएमहरूलाई, म यहाँबाट रिक्वेस्ट पनि गर्छु, म गभर्मेन्टलाई चिफ मिनिस्टरलाई म यहाँ चिठी गर्छु कि यहाँ जिटिए गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन छ र यहाँको डिएमसहरूले जे पनि काम गर्दा एटलिस्ट गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई आज म छु भने भोलि कोही हुन्छ र उहाँहरूको परामर्श सोधेर गर्नु। यो एउटा गभर्मेन्ट हो, लोकल सर्भेबल गभर्मेन्ट हो, यो गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एक्टमा बनिएको र जताभावी आफ्नो मन परेर खुसी गर्नु पाउँदैन डिएमहरूले पनि। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय राज्य मन्त्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकान्त मजुमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सुकान्त मजुमदार के प्रस्ताव का राज्य की सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने पूरे तरह से खारिज कर दिया है और राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश करार दिया है। वहीं इसे लेकर बीजेपी में भी आंदोलनकारी कहर शुरू हो गया है।
सुकांत मजुमदार को उनके ही पार्टी के विधायक की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कर्शियांग के भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री साथे देखा करेछि एवं देखा करे माननीय प्रधानमंत्री हाथे एकटी प्रस्ताव तुले दिए एसेछि आपातत जे एकटी प्रेजेंटेशन तुले दिए एसेछि जाते नर्थ ईस्टेर साथे उत्तरबंगे सिमिलारिटी की कि आछे एवं तार फले उत्तरबंग के नर्थ ईस्टेर अंतर्भुक्त करा जेते पारे एई धरनेर प्रपोजाल आमी माननीय प्रधानमंत्री के दिएछि। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन और तृणमूल श्रमिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आज NBSTC चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा। उनके मांगों में शामिल है कि सुरक्षा और सफाई कर्मियों के परिवारों को ड्यूटी के दौरान मरने पर आर्थिक सहायता दी जाए, संविदा कर्मियों के परिवारों के लिए भी आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए और सभी कर्मचारियों को छुट्टी की सुविधा मिले। उन्होंने राज्य सरकार से न्यूनतम वेतन तुरंत लागू करने की मांग भी की है। इसके बाद संघ के कार्यकर्ताओं और NBSTC के चेयरमैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। तृणमूल प्रभावित श्रमिक संगठन जे नॉर्थ बेंगल स्टेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड कर्मचारी यूनियन रहे तर पक्ष एक डेपुटेशन देवा तर प्राय सात दफा दाफी तर मध्य সিকিউরিটি এবং লেবারদের মিনিমাম ওয়েজ যেটা গভর্নমেন্ট নির্ধারিত রয়েছে সেটা দেওয়ার দাবি আমরা সেটা কনসিডার করার পথে রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত তারা বলেছে যে ব্যয় সংকোচ করবার কিছু প্রস্তাব দিয়েছে আমরা সেটার দিকে লক্ষ্য রাখছি। তৃতীয়ত তাদের প্রমোশনের কিছু কেস রয়েছে সেগুলো যাতে করা যায় সে ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি এবং 1091 মেমো নাম্বারে যেখানে কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে সেই মর্মে আমরা ডিপার্টমেন্টকে চিঠি করেছি, ফিনান্সে ফাইল হয়েছে, আমরা তদবির করবো যাতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা সেটা পেতে পারে। আরও তারা প্রসঙ্গক্রমে কিছু দাবিদার এজেন্সি থেকে রিক্রুট যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছে তাদের আইডেন্টি কার্ডের ব্যবস্থা, সিকিউরিটি লেবারদের যদি কেউ মারা যায় তার পরিবার যাতে 1 লক্ষ থেকে কিছু টাকা পেতে পারে সেটা দেখার জন্য বলেছে। এ ধরনের কিছু প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে বোর্ড মিটিংয়ে তুলব, তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমরা তাদেরকে জানাব। अब सिलीगुड़ी में सामने आई मॉब लिंचिंग की घटना। बच्चा चोर के संदेह में स्थानीय लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। पहले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी में यह अफवाह फैली हुई है कि महिलाएं और बच्चे गायब हो रहे। हालांकि इस बीच पुलिस का कहना है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति शहर से गायब नहीं हो रहा है। इस बीच NJP थाने के जमुरीविटा इलाके में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों को संदेह हुआ कि युवक बच्चा चुराने आया था। सूचना मिलने पर NJP थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले आई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। তারপরে বউটা ওর মাতা ছিল, মাতা না কে ছিল এটা কাকি বললো যে ভাই দেখ ওই ছেলেটা এই মেয়েটার ব্যাগ ধরে টানাটানি করতেছিল, ছাওয়া ধর ওকে ধর। তো আমি দৌড় মারে গেলাম ওকে ধরার জন্য, ধরলাম, ধরে না ও আমাকে দেখি বুকের মাঝে একটা লাত মারলো, ঠিক আছে শুয়াই দিলাম নিচে, শুয়াই দিয়ে একটা মার পাচ্ছেন দিদি এই বিষয়গুলোতে सिलीगुड़ी में आज नगर निगम ने शहर के 33 नंबर वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया। मेयर गौतम देव ने इस अभियान का नेतृत्व किया जिसमें डेंगू के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। हालांकि इस अभियान के दौरान कुछ महिलाओं ने शिकायत की है कि सफाई की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। मेयर ने कहा खाली पड़ी जमीनों के मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा और आवश्यक पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के 4-5 वार्डों में डेंगू फैल रहा है लेकिन नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 5টা ওয়ার্ডে ডেঙ্গি প্রবণতা বাড়ছে সেইটাকে দেখে তারা বলেছে। মানে এই ওয়ার্ডের নাম যে পড়েছে যে দুটো কেস পাওয়া গেছিল 3 সপ্তাহ আগে। দুটো কেস আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুটো কেস 3 সপ্তাহ আগে পাওয়া গেলে কি সেটা ডেঙ্গি প্রবণ বলা যাবে?
তিন সপ্তাহ পরে নেই। তিন পাতে পাতে একটা ছিল আর বারো ছয় একটা ছিল, অনেকদিন এই রিপোর্টটা কি পতঙ্গবিদদের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে? এটা ওই যে আমাদের যে সার্ভে। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया जब वे एक छापा मारने के लिए गए थे। इस हमले में दो पुलिस अधिकारी, एक कांस्टेबल और एक गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना से सवाल उठ रहा है कि बंगाल में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा का स्तर कहां तक है और अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात ये है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है, तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता, द्वारिका रुक्मणी प्लाजा पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। कैन यू बिलीव दिस, क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोर सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। चार 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 जता है र उता नहीं चचार, चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार। नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, मात्र 4 डिजिट मा, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 27 जुलाई, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। गणपति द्वारिका गैलेरिया अब सिलीगुड़ीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रो ट्रफ फ्लोरिङ र टेरिसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, Baneshwar Moor, Eastern Bypass Road, Siliguri. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.
आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहां आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंघा, चार धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहां आपका स्वागत कर रहे हैं। यहां पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हॉल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर की गई हत्या, आरोप तृणमूल पर। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी थाना क्षेत्र के खगड़ाबाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें आरोप तृणमूल पर लगा है। मृतक का नाम मानिक रॉय है। मृतक के भाई ने बताया कि स्थानीय तृणमूल नेता उन पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। पत्नी सपना रॉय ने कहा, तृणमूल के लोगों हमारे घर पे पास नदी से रेत इकट्ठा करते थे। मेरे पति ने उनका विरोध किया। कल रात उन्होंने घर की बार तोड़ दी और मानिक रॉय को पेड़ से बांध कर काफी पीटा गया, जिससे उनका मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। এবার ওইখানে আসার পর রোববারে আসলো, এখানে ঘর টর বাইন্দার পর সোমবারে 8-10 ছেলে, টিএমসি ছেলে এসে হুমকি দেয় প্রাণের হয়ে। কেন হুমকিটা কেন দেয়? হুমকিটা দিল ওই যে আমাদের কেস তুলতে হবে, তাহলে তুমি এখানে থাকতে পারবে। আপনারা কেস করেছিলেন কেন? ওই যে বাড়ি যে ভাঙে দিয়েছিল একদম মানিকের। বাড়িটা কেন ভাঙছিল? বাড়ি ভাঙছিল, ও টিএমসি করবে না, ও কংগ্রেস করে, জাতীয় কংগ্রেস করে, ও টিএমসি করবে না, এখানে আর কি বাড়ি ভাঙছিল। এবার ওইটাকে কেন্দ্র করে তার বাড়ি এই পরশুদিন সোমবারে এসে হুমকি দেয়। হুমকি দেওয়ার পর আবার সেই মানে মোটামুটি কালকে হঠাৎ করে কালকে বুধবার রাত 9-10 দিকে তাকে বাড়ি থেকে টাইনা নিয়ে আসে, গাছে বেঁধে রড বাঁশ ভুজালি টুজালি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তারপর এখান থেকে তার বাচ্চা তার বউ থানায় গিয়ে পুলিশকে নিয়ে আসে। পুলিশকে নিয়ে এসে মানিককে উদ্ধার করে তখন ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে। এবার রাত 11টার দিকে মানিককে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে এফআর করে। তারপরে জলপাইগুড়ি 10 ডাক্তার তখন অর্ডার দিল যে 3:30 রাত মানিকে মারা গেল। বাংলাদেশি বদমাশো নে ভারতীয় কিষান পর কিয়া হামলা, ঘায়ল কিষান কো বিএসএফ নে বচায়া অর পৌঁছায়া অস্পতাল। ভারত বাংলাদেশ সীমা পর ভারতীয় কিষান কি পিটাই কা সনসনিখেজ মামলা সামনে আয়া হ্যায়। ঘটনা জলপাইগুড়ি কে খালপাড়া এলাকে মে হুই। বিএসএফ নে ঘায়ল কিষান কো জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি অস্পতাল মে পৌঁছায়া। হাসান আলী সীমা পার ভারতীয় খেত মে খাদ দেনে কে লিয়ে গয়ে থে, জাহাঁ উনহোনে বাংলাদেশী লোগো কো আপনি জমিন পর মছলি পকড়নে কে পিঞ্জরে লাগাতে হুয়ে দেখা। उन्हें रोकने पर उनकी पिटाई कर दी गई। हसन अली की घटना की है। घटना हमें गेसलम काम करे गेसलम कैंपे काज होती कास्टर कोरिडोर ऐसे खाए तारपर गेलाम बॉर्डर दिखे मैं जमिने सार दीते जमिने सार सार दीते गेलाम तो देखते बांग्लादेश 6-7 जन लोक ओई आमार भैरव ओखाने आली काटे और कि माछ मारार जन्य टेमाई बताछे टेमाई बोले ओरा আলটা কাটলে কিন্তু ওই আমার 1 বিঘা বই ওটা আর ধানে হয় না। গত বছরও ধান পাইনি, এবারও যদি আবার ইসে হয় সারটা সম্পূর্ণ বাইরে যাচ্ছে কিন্তু যাবে না, মানে ধানটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে তখন ওরা আবার দেখতেছি ওই দিকে পাতাচ্ছে ওই দিকে পাতাচ্ছে, ওরা সবাই আসে আমাকে বাস পুরো একদম। কয়জন ছিল? 7-8 জন ছিল। এটা ঘটনাটা চাউলহাটির কোন জায়গাটা? খালপাড়া। चुनाव बाद हिंसा के विरोध में भाजपा ने थाने में किया घेराव, दिया ज्ञापन। चुनाव बाद भी कुछ बिहार में तूफानगंज में भाजपा ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं को मिले ही धमकी, घरों में तोड़फोड़, सामाजिक बहिष्कार और खेतों में जुताई रोकने के विरोध में एसडीओ और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में आज भाजपा ने तूफानगंज थाने का घेराव किया और एक ज्ञापन भी दिया। मालवाहक लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। खोड़ीबाड़ी के बतासी के पास बोलाई जोड़ा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 की घटना है। मालवाहक लॉरी आज सिलीगुड़ी से बिहार की ओर जा रही थी। बोलाई जोड़ा इलाके में अचानक लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिर गई। बाद में खोड़ीबाड़ी थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से लॉरी को बरामद किया गया।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लॉरी चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों के कारण यह हादसा हुआ। आज सुबह में आया गड्ढे की वजह से, सामने वाला गाड़ी हमारे सामने आया, उसको बचाने के चक्कर में गड्ढे में कूदा गाड़ी और गाड़ी कूद गया नीचे। कोई दुर्घटना से बच गए हम लोग। कोई आखा तो इंजरी हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसा क्यों घटना हुआ? ये घटना हुआ रोड की वजह से हुआ। रोड में इतने गड्ढे हैं कि ड्राइवर क्या करेगा, बरसात का महीना पानी भर जाते दिखाई नहीं देता, इसलिए मेरा गाड़ी नीचे कूदा। ये रोड में तो हाईवे तो बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा हम लोगों को। कौन सा जगह है पता है? कौन सा है? बारह चक्का है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी कानपुर। माल लेके जा रहे थे जी। आपका शुभ नाम? अतुल शुक्ला जी। अतुल शुक्ला। मंदिर में चोरी के मामले में चोरी का सामान बरामद, चोर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के एक मंदिर में हुई चोरी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी इलाके में एक मंदिर में चोरी हुई थी। शिकायत के आधार पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर चोरी के मुख्य आरोपी जाहिदुल अली को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद दूसरे आरोपी महबूब खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश को अंगूठा दिखाकर असम में हो रही आलू की तस्करी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बावजूद असम बंगाल सीमा के रास्ते आलू की तस्करी असम में जा रही है। रात के अंधेरे में कुचबिहार तूफानगंज ब्लॉक 2 के फोलीमाड़ी ग्राम पंचायत के संकोष नदी के किनारे से आलू लाए जाए थे और उन्हें असम में तस्करी के लिए नाव पर लोड किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यह तस्करी स्थानीय ग्रामीण पुलिस की सहायता से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य को आलू का निर्यात पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इस मामले में लोगों की नाराजगी और कड़ी आलोचना हो रही है। गाड़ी के शोरूम में पथराव करने के आरोप में दो गिरफ्तार। सिलीगुड़ी सेवक रोड स्थित एक टैक्सी शोरूम में बाहर उत्पात मचाने और शोरूम का शीशा क्षतिग्रस्त करने के आरोप में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान भक्तिनगर थाना क्षेत्र के रेडियो सेंटर संलग्न इलाके के रहने वाले जीवन बोड़ो और ईश्वर बोड़ो के रूप में हुई है। दोनों इस इलाके के शोरूम के बाहर खड़े थे और उन्होंने शोरूम पर पथराव किया जिससे शोरूम का शीशा टूट गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। एक करोड़ केवल 6 रुपया? किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया मा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।